तो आइए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। आप कभी ना कभी किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में अवश्य गए होंगे। वहाँ आपने यह ध्यान दिया होगा कि किस तरह कुछ लोग रोगियों तथा पीड़ितों की सेवा करते हैं। ऐसे दृश्य आप में भी दूसरों के लिए कुछ कर पाने की इच्छा जगाते होंगे। अपनों की सेवा तो सभी करते हैं, पर बड़ी बात तो तब है जब दूसरों के लिए भी कुछ किया जाए। दूसरों के लिए कुछ करने की भावना से भरे लोग जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, लिंग व रंग आदि के बंधन को नहीं मानते। वे तो बस यह मानते हैं कि मनुष्य मनुष्य में भेद कैसा, वो और कुछ हो ही नहीं सकता। आइए इस पाठ के माध्यम से ऐसी ही भावना रखने वाले लोगों के विषय में जानने एवं उनसे प्रेरणा लेने का प्रयास करते हैं। अब इसमें बताया कि हम नॉर्मली जो हॉस्पिटल्स जाते हैं या फिर नर्सिंग होम्स में जाते हैं, तो फिर तब वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो लोग पेशेंट्स हैं और पीड़ित हैं उन सबको हम देखते हैं। तो हम उनकी सेवा करते हुए लोगों को भी देखते हैं, तो उनको देख के हमें भी लगता है कि हम भी काश ऐसे लोगों की सेवा कर पाते। और जो लोग ऐसी मतलब अपनों की सेवा तो सभी करते हैं, पर अगर जो लोग बिना भेदभाव के दूसरों की सेवा करते हैं ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और जो लोग ऐसा मतलब ऐसा करते हैं उनके बारे में ये चैप्टर है। और वो जो ऐसे लोग होते हैं वो मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करते। मनुष्य किस भाषा कौन सी भाषा बोलता है, किस धर्म का है, क्या कौन है, किसी से भी कुछ लेना देना नहीं होता। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। और इसीलिए इस पाठ के माध्यम से हम इस विषय में जानने का और उससे हम प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया, क्योंकि मेरी आतिथ्य अचानक रोग के लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। यह है सितंबर 1951। रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित नारी कमरे में आ गई है। देह उनकी कोई 45 बसन देखी, वर्णहीन श्वेत पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सूता सधा, लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं, आते ही उन्होंने कहा। साफ सुथरी भाषा, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, पर आदेश ना अधिनायक का ना अधिकारी का, पूर्णतया माँ का, जिसका आरंभ होते हैं शिकंजे से और अंत गोद में। तो अब इसमें होता है कि जो लेखक है वो पहले जिनका अतिथि था अब उन परिचारक मतलब पेशेंट हो गया वहाँ का। तो क्योंकि उनके जो वो जैसे जब आते जाते रहते थे तो शायद उन वो रोग के लपेट में आ गए और इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में इनको लाना पड़ा। और 1951 की बात है सितंबर, और रोग उनको बहुत तेज हो गया था और वो कपकपा रहे थे, उनको सर्दी शायद लग रही थी और बहुत चिंतामय हो गया था वातावरण और वो एकदम सुस्त हो गए थे। और उन्होंने देखा कि एक नारी जो है वो कमरे में आ रही है और वो शायद 45 वर्ष की थी, इसलिए बोला है 45 वसन देखी। तो उन्होंने 45 वसन देखी मतलब वो 45 वर्ष की है। वर्णहीन श्वेत मतलब काइंड ऑफ गोरी थी वो, और पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित मतलब उनका एक ग्लो था फेस पे, और वो उनका जो हाइट थी थोड़ी लंबी थी और सूता सदा मतलब एकदम सादा सा और मतलब सूते की साड़ी पहनी थी इस टाइप से है। तो फिर मतलब उनको फिर वो बोलती है लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं होता, ऐसा बोलती है। और फिर उनके जो भाषा है वो एकदम साफ सुथरी और एकदम उच्चारण साफ है, और ऐसे बोल रही थी जैसे आदेश दे रही हूँ, लेकिन कोई अधिकारी जैसे आदेश देता है वैसे नहीं, एक माँ जैसे आदेश देती है वैसे ही, जिसका आरंभ होते ही तो वो हमको आदेश देना जैसा लगता है लेकिन उनके पीछे भी उनका प्यार होता है। थी होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा, मातृभूमि जिनकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत, उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में तलीन, यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव और बस यही यही। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान को कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए तो उसके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंच आई और मुझे लगा कि वातावरण का तनाव कुछ कम हुआ। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर, मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है।
अभी बोला है कि हाँ वो माँ ही थी और वो उस नर्सिंग होम की अध्यक्ष थी जो की थी मदर टेरेसा, और जिन जिनका जन्म वो फ्रांस में हुआ था और वो यहाँ भारत में काम करती थी। और वो उनकी जो उभरती तरुणाई मतलब बहुत ही यंग एज से उम्र के साथ मतलब अभी जो 45 वर्ष की बूढ़ी मतलब होती होने जा रही है जो, तब तक वो रोगियों की सेवा में ही लीन थी और यही उनका काम था, यही उनके लिए पूजा थी और यही उनकी चाहत थी करने के, बस सब कुछ यही था। और वो अपने जो कोमल से हाथ थे उन्होंने उसे रोगियों के सिर पर थपथपाया जिससे कि रोगियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और उसके बाद एक खटखट की आवाज़ आई और फिर उनके जो डॉक्टर थे वो अंदर आए और मदर ने डॉक्टर को देखते हुए कहा कि तुम्हारा बीमार हंस रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो, डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूं ही एक वाक्य में गुंथ दिए। मैंने भावना से अभिभूत हो यह सोचा जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है वही 30 रुपये मासिक पर 20 वर्ष से दिन और रात सेवा दिन और रात में सेवा लग सकती है और वही पीड़ितों को तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। तब क्योंकि उस डॉक्टर ने और भी देखा है लोगों को कि मदर टेरेसा कैसे उनके चेहरे पर हंसी बिखेरती थी तो और उनको खुश कर देती थी, तो इसीलिए उन्होंने कहा हाँ मदर तुम ही तो हंसी बिखेरती हो और तुम ही तो सबको खुश कर देती हो। ऐसा उन्होंने सारे जो उनके पुराने जो एक्सपीरियंसेस थे उनको अब एक साथ एक ही मतलब सेंटेंस में बोल दिया। मतलब उसका सेंटेंस छोटा था बट उसका उसके पीछे जो मीनिंग था वो बहुत बड़ा था। और उसने फिर उन मतलब इन्होंने भी जो लेखक है उन्होंने भी सोचा कि हाँ ये माँ ऐसी ये एक ही माँ जो बिना मतलब नॉर्मल जो माँ बनने का प्रोसेस होता है उसके वो बिना किए ही माँ बन सकती है क्योंकि ये सिर्फ 30 रुपये लेती है महीने का और 20 वर्ष से मतलब दिन रात सेवा करती है एक महीने तक सिर्फ 30 रुपये लेके, और जो पीड़ित जो लोग हैं उनके चेहरे पर हंसी बिखेर देती है। तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ में लिए वह आई, मदर टेरेसा और उनके साथ एक नव युवती उसी विशिष्ट धवल वेश में, गौर और आकर्षक, हाँ गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल। यूं कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो, रूप और स्वरूप एक देवी साची सी वह लड़की, रूप और स्वरूप का एक देवी साचा सी वह लड़की, नाम उसका क्रिस्ट हेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्ट हेल्ड एक साथ एक रूप एक ध्येय एक रस। तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी, मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त हो वो स्टैचू हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोक कर बोली यस यस। तो अब इसने कहा है कि वहीं पे मदर टेरेसा थी और उनके हाथ में थर्मोमीटर था और ये तीसरा पैर था यानी कि ऑलमोस्ट शाम और ये दोपहर के बीच का टाइम ऑलमोस्ट। तो फिर वो नव युवती कोई दूसरी एक आई जो बहुत ही सुंदर थी, गोरी थी और उन्होंने उसकी जो सुंदरता और का स्वरूप जो बखान किया है वो कहा कि अगर चांदी को दूध में मिलाकर अगर घोल करके ब्रह्मा जी ने अगर बनाया होगा किसी को तो वो होंगी क्रिस्टल। और फिर उनके ऐसे ही दिव्य सा रूप था उनका और उनका नाम क्रिस्टल था और वे जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। और फ्रांस की थी मदर टेरेसा और जर्मनी की थी क्रिस्टल, लेकिन दोनों एक जैसे ड्रेस पहनी थी, एक जैसे उनके चेहरे पर ग्लो था और एक जैसे ही दिख रही थी। और फिर लेखक ने उनसे कहा कि तुम्हारा देश महान है जो इतने बड़े युद्ध कराने वाले और सिर्फ युद्ध करते रहने वाले मतलब अशांति फैलाने वाले हिटलर को जो जन्म दे सकते हैं वो तुम्हारे जैसे सेवा वाली और शांति प्रिय क्रिस्ट मतलब तुम्हें भी जन्म मतलब जन्म दे सकता है। तो उन वो वहाँ पे स्टैचू की तरह पहले तो खड़ी हो गई, फिर उन्होंने अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर आगे रखे मतलब थोड़े तेज से और बोला हाँ हाँ मतलब यस यस बोल के हाँ हाँ। वो दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती है? बोली हाँ वो भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों ना हो, मैंने नश्ता चुभाया पर फ्रांस को हिटलर की पदलित किया था, यह आप कैसे भूल सकती है।
अब जब वो क्रिस्टल जी जो थी वो जब दूसरे कमरे में चली गई, तो फिर लेखक ने उनको ऐसे ही, मतलब उनकी परीक्षा लेने के जैसा, मदर टेरेसा से पूछा कि आप इस लड़की के साथ अच्छे से रहती है, प्यार से रहती है, मतलब इसके लिए कोई बुरे भाव नहीं है? तो फिर वो बोलते कि अगर वो भी ईश्वर के, भगवान के काम ही कर रही है, मैं भी भगवान का काम कर रही हूँ, तो फिर प्यार क्यों ना हो? तो इन्होंने फिर उनको और ज़्यादा छेड़ने जैसा और एक उनको चुभे ऐसी बात कह दी कि पर फ्रांस, क्योंकि मदर टेरेसा फ्रांस की थी और ये जर्मन की थी, और जर्मन का हिटलर था, तो जर्मन का जो हिटलर था वो फ्रांस से उसने दुश्मनी की थी। तो उसने पूछा कि आप तो फ्रांस की हैं और हिटलर ने तो आपके देश को इतना ऐसा किया था, तो फिर आप इसके क्रिस्टल के साथ ऐसे कैसे रह सकती है? और वो सब हिटलर ने जो किया वो कैसे भूल सकती है?